यहाँ पर मुकम्मल हाईलाइट शेयर करूंगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के, यहाँ पर मुकम्मल फुल हाईलाइट शेयर करूंगा। लेकिन हाईलाइट से पहले दोनों टीमों को मुकम्मल स्कोर कार्ड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अफगानिस्तान की बैटिंग के स्कोर कार्ड और पाकिस्तान के बॉलिंग के स्कोर कार्ड मुकम्मल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मुकम्मल हाईलाइट भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। अफगानिस्तान की तरफ से किस बैट्समैन ने अजीब बैटिंग का मुजाहरा कर लिया और पाकिस्तान की तरफ से किस बॉलर ने सबसे जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, मुकम्मल हाईलाइट शेयर करने वाला हूँ। हाईलाइट से पहले आप लोगों के साथ मुकम्मल स्कोर कार्ड शेयर करूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारे किस्म नई अपडेट आपको आसानी से मिलती जाए। तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग बॉलिंग करने का फैसला किया जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें अफगानिस्तान की बैटिंग के हवाले से तो अफगानिस्तान की तरफ से हजरत अब्दुल्लाजी जो कि ओपनिंग करने के लिए आई, इसने 21 रन बनाए, 17 गेंदों पर 4 चौके लगाए जो कि मोहम्मद हसनैन ने बोर्ड कर दिया था। इसके साथ बात करें इसके साथ आया था रहमानुल्लाह गुलबर्ग जो कि 11 गेंदों पर 17 रन बनाए जिसने 2 चक्के लगाए और जिसको हारिस रऊफ ने बोर्ड कर दिया। इसके साथ बात करें तीसरे नंबर प्लेयर के जो कि नजीबुल्लाह जरदारान थे जिनने 35 गेंदों पर 37 रन बनाए, 2 चौके लगाए और 1 छक्का लगा। इसके साथ बात करें करीम जनत बैटिंग करने के लिए जिसने 19 गेंदों पर 15 रन बनाए जिसमें 1 विकेट एक चौका लगाया। इसके साथ बात करें नजीबुल्लाह जरदारान की जिसने 10 रन बनाए, 11 गेंदों पर 1 छक्का लगाया है। यहाँ पर बात करें मोहम्मद नबी की जिसने 1 गेंद का सामना करते हुए कोई रन नहीं बनाए। इसके साथ बात करें उमरेज की जिसने 10 गेंदों पर 10 रन बनाए और 1 चौका लगा। इसके साथ बात करें राशिद खान ने 15 रन बनाए है 11 गेंदों पर जिसमें 1 चौका राशिद खान ने लगाया। ये था मुकम्मल स्कोर कार्ड अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की। तो अब बात करें पाकिस्तानी बॉलिंग की तो पाकिस्तानी बॉलिंग ने बहुत ही ज़बरदस्त और आला बॉलिंग का मुजाहरा किया। यहाँ पर अगर हम बॉलिंग की बात करें तो नसीम शाह ने 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। इसके साथ बात करें पाकिस्तान के एक और फास्ट बॉलर नसीम मोहम्मद हसनैन के हवाले से कि मोहम्मद हसनैन ने 4 ओवर कर चुके हैं 34 रन देकर, इसने भी 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। इसके साथ बात करें हरीश रऊफ ने 4 ओवरों में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। हरीश रऊफ ने बहुत ही ज़बरदस्त और आला बॉलिंग का मुजाहरा किया। इसके साथ बात करें मोहम्मद नवाज़ की तो मोहम्मद नवाज़ ने 4 ओवर में 23 रन देकर मोहम्मद नवाज़ ने भी 1 विकेट चटका दी। इसके साथ बात करें शादाब खान की तो शादाब खान ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए शादाब खान ने 4 ओवरों में 27 रन देकर इसने भी 1 विकेट हासिल कर चुका है। इसके यहाँ पर बात करें नसीम शाह ने 1 विकेट पाकिस्तान की तरफ से हासिल की। दो मोहम्मद हसनैन की बात करें तो मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट भी हासिल किया। हरीश रऊफ की बात करें तो हरीश रऊफ ने 2 विकेट हासिल किए। मोहम्मद नवाज़ की बात करें तो मोहम्मद नवाज़ ने 1 विकेट हासिल कर चुका है। इसके साथ बात करें शादाब खान की तो शादाब खान ने भी 1 विकेट हासिल कर। यहाँ पर बात करें अफगानिस्तान के टारगेट को तो अफगानिस्तान ने 130 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बैटिंग शुरू होने वाले जहाँ पर हजरतुल्लाह अजीज ने 21 रन बनाए, अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुलबर्ग ने 17 रन बनाए, इसके साथ इब्राहिम जरदान ने 35 रन बनाए। ये थी मुकम्मल हाईलाइट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।